इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आईपीएल के नाम से जाना जाता है, और आईपीएल क्रिकेट का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लीग है। और आईपीएल में 8 टीमें एक दूसरे से टकराती हैं आईपीएल फाइनल जीतने के लिए। और इस खूबसूरत सी ट्रॉफी को पाने के लिए सभी टीमें जीतने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरती हैं, पर जीत तो एक ही पाती है और उस ट्रॉफी को ले जाती है। पर क्या आपको पता है कि इस ट्रॉफी की कीमत कितनी होती है और इसे कौन बनाता है? और रोजाना की स्टेडियम में जब भी बदलाव होते हैं तो इस ट्रॉफी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि आईपीएल की ट्रॉफी एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में कैसे पहुंचाई जाती है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीएल हर साल कुछ अलग अलग कंपनियों को स्पॉन्सर करता है, तो उन्हीं में से एक कंपनी ऑटोमोबाइल यानी कार की भी होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सीजन से आईपीएल टाटा कंपनी की गाड़ियों को स्पॉन्सर कर रहा है। और दोस्तों, इससे पहले आईपीएल सुजुकी कंपनी की गाड़ियों को स्पॉन्सर करता था, और आपने देखा होगा विटारा ब्रेजा थी, लेकिन उसके बाद टाटा कंपनी की नेक्सन और 2020 में हुए आईपीएल में टाटा की अल्ट्रोज कार को स्पॉन्सर किया गया था। और दोस्तों, यही वो कार होती है जिसमें एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में ट्रॉफी को पहुंचाया जाता है, जिसमें एक लड़की अपने साथ ट्रॉफी लेकर इस कार में बैठकर जाती है एक स्टेडियम से दूसरी स्टेडियम में। और आप लोग ये इस वीडियो में देख सकते हो, और वहां पर ट्रॉफी रख दी जाती है। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईपीएल की ट्रॉफी में एक ऐसी चीज लिखी होती है जो किसी भी ट्रॉफी में पूरी दुनिया में नहीं लिखी? उसको संस्कृत में लिखा गया है, यात्रा प्रतिभा अवसरा प्रार्थनोही, और इसका हिंदी में मतलब होता है जहाँ प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। और ये सही बात है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो आईपीएल से स्टार बन गए और अपनी मेन टीम में जगह बना लेते हैं। दोस्तों, अब अगला फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि आईपीएल की ट्रॉफी को कौन बनाता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई इस आईपीएल को होस्ट करता है और वही आईपीएल की ट्रॉफी भी बनाते हैं। और दोस्तों, अब तक आईपीएल की सिर्फ 2 ट्रॉफियां बनाई गई है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और दोस्तों, इनमें से एक ट्रॉफी को 2008 में जब शुरू हुआ था आईपीएल, तब बनाया गया था, लेकिन किन्हीं कारण से इस ट्रॉफी को बदल दिया गया और 2011 में एक नई ट्रॉफी आई, जो कि आप लोग देख सकते हो। और वही ट्रॉफी अब तक चली आ रही है और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बीसीसीआई ट्रॉफी को हर साल बनाती है? तो इसका जवाब है नहीं। और दोस्तों, ये वही ट्रॉफी है जो 2011 में बनाई गई थी, और हर साल बीसीसीआई ट्रॉफी को आईपीएल खत्म होने के बाद अपने पास सुरक्षित रख लेती है, और जैसे ही अगले सीजन की शुरुआत होती है तो उस ट्रॉफी को फिर से मैदान में रख दिया जाता है। और आईपीएल की इस ट्रॉफी को बार बार नहीं बनाया जाता, सिर्फ एक ही ट्रॉफी चली आ रही है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बीसीसीआई तीसरी ट्रॉफी बनाएगी? क्या वो बनाएगी भी या नहीं बनाएगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने अब तक सिर्फ 2 ही ट्रॉफियां बनाई हैं आईपीएल के लिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और उन्होंने अब तक तीसरी ट्रॉफी बनाने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अब तक उनको इससे बढ़िया ट्रॉफी का डिजाइन मिला ही नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि आईपीएल पे जब भी कोई टीम जीतती है तो उनका नाम प्लेट चिपका दिया जाता है आईपीएल की ट्रॉफी पे। तो दोस्तों, इसमें अभी बहुत ज्यादा स्पेस बाकी है, और जब वो भर जाएगा तो वो किसी ट्रॉफी बनाने के बारे में सोचेंगे। अब दोस्तों, आप लोग इस फैक्ट को जान के बिल्कुल चौंक जाओगे कि क्या आपको पता है कि जब फाइनल मैच हो रहा होता है तो स्टेडियम में ट्रॉफी को भी रखा जाता है, लेकिन वहां पर एक नकली ट्रॉफी भी मौजूद होती है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये नकली ट्रॉफी किस लिए होती है, और क्या ये टीम को दी जाती है या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई टीम फाइनल जीतती है तो उसको ट्रॉफी दी जाती है, तो सबसे पहले कप्तान बीसीसीआई के चेयरमैन के पास आता है और अपने हाथ में ट्रॉफी लेता है। अब तक तो वो ट्रॉफी असली होती है, और जिस ट्रॉफी के ऊपर उनका नाम चिपकाया जाता है वो भी बिल्कुल असली होती है, लेकिन फिर जो वो ट्रॉफी होती है वो नकली कब होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब टीम जीतने के बाद सेलिब्रेशन करती है और अपनी फोटो शूट करवाती है, उसी वक्त उनको वो नकली ट्रॉफी पकड़ाई जाती है, क्योंकि उस वक्त उनके टीम मेंबर्स आपस में उस ट्रॉफी को खींचेंगे या फिर सेलिब्रेट करेंगे उसको, ट्रॉफी को उछाल उछाल कर।
तो वो कहीं टूट न जाए, इसी खतरे से बचाने के लिए इस ट्रॉफी को नकली बना दिया जाता है और इन लोगों को दे दिया जाता है। और ये वही ट्रॉफी होती है जिसे जीतने के बाद टीम अपने साथ ले जा भी सकती है, लेकिन असली ट्रॉफी को ले जाने का हक किसी भी टीम को नहीं है। उस ट्रॉफी को तो बीसीसीआई अपने पास रख लेती है और दोस्तों इस ट्रॉफी को जीतने वाली टीम के मालिक भी अपने घर पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आते हैं सबसे मेन फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है कि आईपीएल ट्रॉफी की प्राइस कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई ने अब तक इसकी प्राइस को रिवील नहीं किया है, लेकिन ये बीसीसीआई की ट्रॉफी पूरी तरीके से सोने के द्वारा बनाई जाती है और जितनी भी इंफॉर्मेशन बीसीसीआई ने आज तक इंटरनेट पर या फिर लोगों को बताई है, तो उसके हिसाब से इस जो ट्रॉफी है आईपीएल की, इसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए से 5.5 करोड़ रुपए, यानी अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ रुपए होती है। और इसीलिए शायद इस ट्रॉफी को जीतने वाली टीम को नहीं दिया जाता, वरना खर्चा ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों आज की इस आईपीएल फैक्ट वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना अपनी फेवरेट टीम कौन सी है। भाई मेरी फेवरेट टीम तो आरसीबी है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी फैक्ट वीडियोज डेली देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।